हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि मैंने एक फ़्लिपकार्ट से पेपर ऑर्डर किया है, जो कि है रियलिस्टिक ड्राइंग के लिए मैंने ऑर्डर किया है। तो जो लोग ये कहते थे कि आप रियलिस्टिक ड्राइंग क्यों नहीं बनाते हो, तो फाइनली वो दिन आ चुका है दोस्तों। मैंने पेपर ऑर्डर कर लिया हूँ, तो अब मैं कंटिन्यू, ठीक है, बीच बीच में आपको रियलिस्टिक ड्राइंग भी बना करके दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको अनबॉक्सिंग करते हैं, उसके बाद मैं आपको सारा रिव्यू देने वाला हूं कि मतलब ये क्या है, कितने का मेरे को मिला, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, चलो अब इसको मैं कर लेता हूँ सबसे पहले अनबॉक्सिंग, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कितने कितने का रुपये का मतलब ये पड़ा है। और ये बेसिक A4 साइज़ में मैं ऑर्डर करने वाला था, बट A4 साइज़ अवेलेबल नहीं था फ्लिपकार्ट पे, इसकी वजह से मेरे को A3 साइज़ में ही करना पड़ा। तो अब इसको मैं कट करता हूँ, मेरे पास तो वैसा कोई चाकू नहीं था, मैं सब्ज़ी काटने वाला से ही करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं था, सिंपल सा था। देखिए इस तरीके से ये खुल रहा, कुछ पैकिंग तो वैसे कोई ख़ास नहीं है, सिंपल ही है। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे ज़्यादा बेटर होना चाहिए था, क्योंकि जिस हिसाब से मतलब इसका रेट था। तो पेपर को निकालते हैं बाहर, ठीक है। तो कार्टून को मैं अभी फ़िलहाल हटा देता हूँ, लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद अब इसको निकाल करके देखते हैं। पर तो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा, एक सीट से निकाल के देखते हैं। सो आज एक साइड पूरा तो रफ है, एक साइड थोड़ा सा स्मूथ है, ठीक है ना, आपको शायद इसमें पता नहीं चल रहा होगा। सो आज इसका क्या बोला था, पैकिंग तो कुछ ख़ास नहीं था, देख सकते हो आप, ये कोना इसका मुड़ा हुआ है। तो ये तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा, इसका फिनिशिंग और ज़्यादा अच्छा से होना चाहिए था, और ज़्यादा अच्छा से पैकिंग होना चाहिए था, इतना ज़्यादा महंगा पेपर है। सो गाइस, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये A3 साइज का मेरे को पड़ गया लगभग 456 रुपये का, मतलब ये सीट्स है, ठीक है ना। और टोटल सीट इसमें मैं बता रहा हूँ आपको कितना है, टोटल सीट इस पे शायद लग रहा लिखा हुआ नहीं है, मतलब लगभग 25-30 होगा मेरे हिसाब से। देखते हैं इस पे लिखा हुआ है कि नहीं, इस पे तो लिखना चाहिए भाई। मतलब 20 + 4 = 24 सीट्स है टोटल इसमें, 456 रुपये का है ये। तो अगर आप दोस्तों, अगर बिगनर आर्टिस्ट हैं, तो मैं तो अभी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप लोग इतना महंगा पेपर खरीदिए, ठीक है। वैसे मेरे पर बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था, इसके वजह से मैं ये पेपर परचेज़ किया हूँ, क्योंकि मेरे को बीच बीच में मतलब रियलिस्टिक ड्राइंग बनाना, मेरे को भी थोड़ा सा मतलब मैं चाह रहा हूँ कि बनाऊँ, तो मैं इसलिए इसको परचेज़ किया हूँ। थोड़ा बहुत मतलब कमीशन वर्क भी आता है मेरे पास, तो इसके लिए मैंने ये पेपर बाई किया है, ताकि मैं कमीशन वर्क उस पर बना सकूँ। तो यही, इसमें कोई ख़ास तो मेरे को ज़्यादा नहीं लगा, मेरे को पैकिंग ज़्यादा बुरा लगा फ्लिपकार्ट का, ठीक है। इससे और बेटर पैकिंग हो सकता था। अभी आप देख सकते हो ये जो कोना है, या यहाँ पे ये मुड़ गया है, इतना महंगा पेपर मंगाने का मतलब भी पेपर ख़राब हो जाता है, बताओ। तो ये मेरे को ज़्यादा बुरा लगा, ठीक है। तो मैं रिकमेंड यही करूँगा, अगर आप एक बिगिनर आर्टिस्ट हैं, तो इसको ना ख़रीदें। अभी प्रैक्टिस के लिए आप सिंपल कोई भी पेपर यूज करें। मैं भी काफ़ी दिन से मतलब सिंपल ही यूज कर रहा था, बट मेरे पर कमेंट आ रहा था कि रियलिस्टिक बनाई, ऊपर से मेरे को मतलब क्या बोला जाता है, कमीशन वर्क भी आ जाता है। तो इसकी वजह से मैंने एक ही बस मंगवाया है, बाकी मैं इस पर खाली बस रियलिस्टिक ड्राइंग वगैरह बनाऊँगा, तो वो भी मैं अपना आर्ट वाला चैनल पर अपलोड करूँगा, तो ठीक है, आपको टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। जैसे मेरे को कमीशन वर्क आते हैं, चाहे फिर मेरा कोई अच्छा सा मतलब पसंद आ जाए, उसके हिसाब से मैं बनाऊँगा। तो वैसा मैं इस पर तो कोई ख़ास, अब सबके तरह तो मैं वो नहीं मतलब इस पर शेडिंग करके दिखाने, क्या मतलब इस पर शेडिंग करके दिखाऊंगा आप, एक बार आप पूरा ड्राइंग में ही देखना जब मैं पूरा कंप्लीट बनाऊंगा, क्योंकि ऐसे मेरे को पता नहीं चलेगा, मैं थोड़ा सा शेडिंग कर दिया, उससे आपको थोड़ी पता लग जाएगा कि ये पेपर सही है नहीं है।
अब मैं जब अपलोड करूँगा ना तो उसमें आपको पूरा प्रॉपर पता चलेगा, पूरा जब फेस बनाऊँगा उसके बाद आपको अच्छे से पता लग पाएगा। ऐसे तो थोड़ा बहुत शेडिंग करने से तो नॉर्मल पेपर में भी अच्छा शेडिंग हो जाता है, बट यही कुछ खास नहीं था दोस्तों, यही छोटा सा मतलब इसमें था तो मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो ये तो मेरे को फ़्लिपकार्ट का पैकिंग बहुत ज़्यादा ही बुरा लगा, ठीक है, और बेटर मतलब पैकिंग कर सकता था इसको, इसके वजह से ये मुड़ता नहीं पेपर, ये कोना मुड़ जा रहा है। सो गाइस, अगर आप लोग को मतलब अगर है एडवांस लेवल का अगर ड्राइंग बनाते हो या बिगिनर्स नहीं हो तो आप लोग इसको एक बार ट्राई करके देखना, ये पेपर काफ़ी अच्छा मतलब ज़्यादा महंगा भी नहीं ना ज़्यादा सस्ता है, मीडियम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप लोग इसको ज़रूर एक बार से यूज कीजिएगा, ठीक है। बाकी मतलब इसका कैसा एक्सपीरियंस रहता है मैं आपको वो भी शेयर करूँगा आने वाला टाइम पर, आने वाला वीडियो में जब मैं इस पर फुल ड्राइंग बनाऊँगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, बाकी यही कुछ था इसमें। 456 रुपया में 25 सीट इसका है, ठीक है, मैं बता देना चाहता हूँ फिर से आपको, 456 में 25 सीट है ये। A4 साइज अवेलेबल नहीं था, मैं तो A4 साइज ही मंगाने वाला था, बट कोई नहीं है, A3 में ही मतलब मैं डबल कर लूँगा तो A4 ही हो जाएगा ये। तो चलिए दोस्तों, आपको अगर ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी मैं ऐसे बिना एक्सपीरियंस किए मैं कोई चीज़ का अच्छे से रिव्यू नहीं दे पाता हूँ, क्योंकि मतलब मैं ऐसे ही आप लोग को बोल दूँ कि इस पर बहुत ज़्यादा अच्छा पेपर है, चाहे मैं थोड़ा शेड करके दिखा दूँ तो उससे पता नहीं लगता, मैं प्रॉपर जब तक उसको नहीं मैं जांचता हूँ तब तक आप लोग के साथ मैं शेयर नहीं करता हूँ वो चीज़ वो नॉलेज, ठीक है ना। तो मेरा कुछ अलग ओपिनियन रहता है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।